नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एस्क्लेपियस आयुर्वेदा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में, सर्दी जुखाम, कफ, बलगम इत्यादि के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अधिकांशतः लोगों को बदलते मौसम के कारण, एलर्जी के कारण सर्दी जुखाम इत्यादि खांसी वगैरह होती रहती है। दोस्तों यदि हम बात करें खांसी की, तो खांसी दो प्रकार की होती है, एक सूखी खांसी और दूसरी बलगम वाली खांसी। एक चीज़ और, यदि समय रहते इसका इलाज नहीं करें तो ये टीबी व अस्थमा का रूप भी ले सकती है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे AWPL एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कफ डॉक रस के बारे में। हम बात करेंगे ये कितनी दुर्लभ जड़ी बूटियों से मिलाकर बनाया गया है, इसके कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें एलोवेरा जूस, वासा एक्सट्रैक्ट, अपमार्गा एक्सट्रैक्ट, पीपली एक्सट्रैक्ट, तुलसी एक्सट्रैक्ट, सौंठ, मुलेठी, नागरमोथा, लौंग, सोमलता, दालचीनी, कंतकारी, हनी, पुदीना इत्यादि से मिलाकर बनाया गया प्रोडक्ट है कफ डॉक रस। आइए हम देखते हैं सबसे पहले एलोवेरा। दोस्तों ये औषधीय गुणों से भरपूर और सर्दी जुखाम में काफ़ी लाभदायक होती है। यदि हम बात करें तुलसी की, तो इसे कौन नहीं जानता है। इसकी 4-5 पत्तियों को डेली यदि हम लें, डेली चबाएं, तो एलर्जिकल प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा। इसके अलावा इसका काढ़ा सर्दी जुखाम खांसी में काफ़ी फायदेमंद है। सौंठ, लौंग इत्यादि की बात करें तो सर्दी खांसी में काफ़ी हमको राहत देती है। पीपली, खांसी व बुखार में पीपली बहुत ही कारगर औषधि है। मुलेठी, सूखी खांसी व जमी हुई कफ को बाहर निकालने के लिए मुलेठी रामबाण है। दालचीनी, पुरानी से पुरानी खांसी में ये काफ़ी हमें आराम देता है। अपमार्गा, इसे चिरहिटा भी कहते हैं, अपमार्गा को चिरचिटा कहते हैं। इसके इस्तेमाल से श्वास नली और छाती में जमी हुई कफ बाहर निकल जाती है। इसके अलावा दांत दर्द, मुंह में छाले इत्यादि में भी फायदेमंद औषधि है। वासा, इसे अडूसा भी कहते हैं। दोस्तों बार बार बदलते मौसम से परेशान लोगों के लिए ये एक रामबाण औषधि है। सूखी खांसी हो या गले में खराश हो, ये हमें दोनों ही कंडीशन में फ़ायदा पहुंचाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कफ डॉक रस के इस्तेमाल के बारे में। तो दोस्तों इसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से शेक कर लेना है, सनलाइट से इसे बचा कर रखना है, और इस्तेमाल करते समय बोतल को 1 महीने के अंदर में इसे यूज कर जाना है। इसके अलावा क्वांटिटी की यदि बात करें तो इसे दिन में 2 बार 25 से 30 ml खाना खाने के बाद यूज करना है। इसके अलावा किसी एक्सपर्ट से या चिकित्सक से परामर्श जरूर लेना है। यदि हम परहेज की बात करें, इसे इस्तेमाल करते समय हमें क्या क्या परहेज बरतने हैं, तो मीठे पेय पदार्थों का उपयोग नहीं करना है, तले हुए और भुने पदार्थों का भी सेवन नहीं करना है। इसके अलावा दिन में 4 से 6 लीटर पानी का सेवन अवश्य करना है। दोस्तों कफ डॉक में मिलाए गए इतने सारे दुर्लभ जड़ी बूटी, जो कि पुरानी से पुरानी खांसी और जमी हुई कफ व बलगम को निकालने में काफ़ी कारगर है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। अंत में यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के बीच में इसे शेयर करें, और जो लोग इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि
आपको जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।